हमारे जो ब्रह्मा बाबा थे ना, तो उनका एक भतीजा था जो यज्ञ में आ गया था, समर्पित कर दिया बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, राइट। अभी उनका भतीजा हमेशा उनके साथ रहता, अंग संग बिल्कुल राइट हैंड बन के पूरे यज्ञ का कारोबार संभालता था। तो अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी, बहुत तबीयत बिगड़ी, ही बस हॉस्पिटल इन मुंबई, राइट। अब बाबा ने सारी रात, बाबा ने सारी रात योग लगाया उसको सकाश देने के लिए अपने भतीजे को, राइट। कुछ दिनों के बाद तबीयत और बिगड़ी और फिर ना उसने शरीर, मतलब वो गुजर गया, शरीर छोड़ दिया उसने। तो यहाँ से बहनों का मैसेज गया, बाबा ये भाऊ ने शरीर छोड़ दिया, उनका नाम विश्व किशोर था, भाऊ बोलते थे उनको प्यार से, शरीर छोड़ दिया। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अभी वहीं उनको उनको जो है अंतिम संस्कार करके आप लोग आ जाओ। तो बहनें बड़ी ये हो लगे कि इतना उनका बेटे से भी ज़्यादा प्यारा, बाबा ने बोला है कि भाई यानी आदेश है, बाबा का आदेश बोल तो आदेश ही है, तो यहाँ पूरा अंतिम संस्कार करके, तो है ना जैसे वहाँ बहन गई तो हमारी दादी थी मनोहर दादी, वो क्या उसने क्या किया, फोटोग्राफ्स को लेके है ना, सुबह जब बाबा के साथ वॉक पे जा रही थी, बाबा के साथ में माउंट आबू में, तो ना उसने फोटो निकालने की कोशिश कर रही थी वो दिखाने के लिए बाबा को। तो बाबा को संकल्प चला कि मुझे कुछ दिखाना चाहती है। तो बाबा ने कहा बच्ची बीती सो बिंदी का पाठ पक्का नहीं किया है, जो गुजर गया उसको आप क्यों फिर याद कर रहे हो। उसके बाद और एक बात हुई कि है ना अगले ही दिन है ना बड़ी बड़ी बहनें साथ पूरे हिंदुस्तान से, अभी कोई बाबा को सभी अपना मतलब वो हमारे अलौकिक पिता ही माने जाते हैं, राइट। तो है ना सात बहन बड़ी बड़ी मिलने के लिए बाबा को आई थी, बाबा कमरे बैठी, जैसे बाबा के बाबा अपने झोपड़ी से पट्टी से बाहर निकले झोपड़ी से, तो बाबा को संकल्प आया कि ये सब क्या है, ये सब क्यों जमा हुए इधर। तो बाबा उनके पास में जैसे पहुंचे कहा कि बच्चियों आप क्यों आए हो यहाँ पर, क्या बात है। इसको कहा जाता है एक ऐसा सुख, ऐसा आनंद ना कि हमारे उसको अगला पल में क्या हुआ ना उसकी भी विस्मृति थी, वो हमेशा ही स्मृति में रहता था कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं शक्तियों का प्रिंस बनूंगा। जैसी हमारी स्मृति होती है ना वैसी हमारी समृद्धि होती है, राइट। देखना आप जब भी आप डिस्टर्ब हैं, रेस्टलेस हैं, कंफ्यूज हैं, या फिर होपलेस हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं ना, तो आप देखना आपकी स्मृति में क्या चल रहा है। आपकी स्मृति में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने बॉडी के साथ में, रिलेशनशिप के साथ में, या कोई बात बात है। आज भी हमारे सत्संग में क्या निकला है, मुरली में क्या निकला है कि अगर कोई बात मुझे नीचे खींच रही है, कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी परिस्थिति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बहुत लो फील करा रहा है, बहुत नीचे की तरफ मुझे खींच रहा है, तो क्या करना चाहिए, इंस्टेंटली आपको क्या करना है, एक बल एक भरोसा, मतलब मेरा तो एक परमात्मा शिव बाबा, राइट। जब एक ही स्मृति में चले जाओगे ना, एक बल एक भरोसे के आधार पर, तो वो आधार कभी याद आएगा, जब आप पॉइंट ऑफ लाइट के कॉन्शियस में चले जाओगे, जैसे अपने आप को बिंदु समझोगे, तो नेचुरली आपका जो भी अट्रैक्शन है बाहर की दुनिया में, जो भी खिंचाव है, मनमुटाव है, टकराव है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इमीजिएटली अरेस्ट हो जाएगा वो, मतलब वो आपको, अब जैसे पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शियस में आ जाओगे तो क्या होगा, आपके सारे जो भी खिंचाव है ना अट्रैक्शन से बाहर की तरफ जो गिरा रहे हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। आनंद आनंद, राइट। आनंद का ये वो स्वरूप है जहां पर अंतर आत्मा हर रोज के मेडिटेशन से अपने आप को इतना ज्यादा सुकून, इतना ज्यादा संतुष्टता, इतना ज्यादा आत्मसंतोष आ जाता है ना कि अब उसकी जरूरतें बाहर की दुनिया में इतनी मिनिमाइज हो जाती है ना, और जब आप अंतर जगत से बहुत ही संतुष्ट रहते हैं, संपन्न रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, तो क्या होता है, बाहर की दुनिया में आपके लिए आपको जो भी चाहिए ना, तो वो तो आपको बहुत ही सहजता से आपको मिल जाता है, राइट। अभी यहाँ पर